नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि DL यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कौन सी साइट पर जाके आपको अप्लाई करने पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको आती रहे मेरी वीडियोज़ की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको करना है ड्राइविंग लाइसेंस लिखना है अपने स्टेट का, जिस भी स्टेट में आप रहते हैं उस साइट पर जाना है ड्राइविंग लाइसेंस की। सारथी करके वो साइट है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहां जाके कर सकते हैं। फिर वहां सबसे पहले आपको ये करना पड़ेगा कि अपना स्टेट सेलेक्ट करने पड़ेगा। सबसे पहले उसमें स्टेट सेलेक्ट करने का आता है, ये मैं लाइव करके भी बताऊंगा आपको। जल्दी से मैं इंट्रो दे देता हूं कि अगर आपको अभी अप्लाई करना है तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी अपना किया है तो मैं उस बेस पर आपको प्रैक्टिकल की बात बता रहा हूं। हालांकि ज़्यादातर मेरी वीडियोज़ जो होते हैं वो प्रैक्टिकल बेस पर होती हैं, या तो मैंने की है या मैंने देखी है या मैंने खुद अपने आप से रिसर्च किया है, वही वीडियो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे स्टेट आप सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद वो आपसे गियरलेस और ये सब का पूछेगा कि आप गियरलेस बनाएंगे, मतलब स्कूटी का या फिर गियर का। तो वो सब सेलेक्ट करने के बाद एक होता है एप्लीकेशन जनरेट, एप्लीकेशन नंबर, उसको आप रिसिप्ट नंबर भी कह सकते हैं। फिर उस रिसिप्ट नंबर के जरिए आप आगे बढ़ते हैं। फिर आगे फॉर्म आता है, फॉर्म भरने के बाद आपको वहाँ पर पैन कार्ड, आधार कार्ड और अपना एक फ़ोटो देना पड़ता है। और पैन कार्ड डेट ऑफ बर्थ के लिए लेते हैं वो, हो सकता है 10th का भी मांग ले कई स्टेट्स में। अभी मुझे सिर्फ दिल्ली का पता है तो मैंने पैन कार्ड और आधार कार्ड पे अपने अपॉइंटमेंट ले ली है। दिल्ली में जो लर्निंग लाइसेंस के अप्लाई करते हैं उनको 500 की फ़ीस है, वो आपके बैंक के थ्रू ही कट जाएगी। फिर उसके बाद निकलेगा एक फॉर्म, वो फॉर्म मेरे पास है, मैं उसको अभी अगली वीडियो में दिखाने वाला हूँ पूरा प्रॉपर कि आपको कैसे वो भरना है। तो ये था प्रोसेस, जल्दी से अप्लाई आप कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हालांकि जब से चीज़ें ऑनलाइन हुई हैं वो बहुत ही आसान होती जा रही हैं। वो हमारे फेसबुक और व्हाट्सएप और जो यूट्यूब है, गूगल जैसे चलाते हो वैसे ही चीज़ें हैं। फेसबुक की तरह लॉगिन करना पड़ता है, वैसे ही मतलब अगर जिस बंदे को फेसबुक चलाना आ गया और इंस्टाग्राम चलाना आ गया, सोशल मीडिया अगर वो चला रहा है तो वो ऑनलाइन की चीज़ें बहुत आसानी से कर सकता है। तो जल्दी से आपको बता देता हूँ सबसे पहले क्या करना है। अपने स्टेट वाले ड्राइविंग लाइसेंस की साइट पर अपने स्टेट में जाना है, वहाँ पर ID आपकी और एड्रेस प्रूफ और फोटो लगेगी। उसके बाद जो वहाँ की फ़ीस होगी वो आपको फ़ीस देना है वहाँ पे। अभी दिल्ली की थी 500, तो वो मैंने भर दी। फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट लेटर आता है। फिर उसके बाद जैसे ही आप फीस भर देते हैं उसके बाद अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है कि इस डेट को आप पहुँच जाएंगे, लर्निंग का टेस्ट देंगे। तो ये था दोस्तों लर्निंग लाइसेंस अगर आप अप्लाई करते हैं तो क्या करना पड़ेगा। इसके बाद जो फॉर्म निकलता है वो मैं आपको लाइव अभी दिखाऊंगा अगली वीडियो में कि वो फॉर्म कैसा निकलता है और उसको कैसे भरा जाता है, क्योंकि मैंने अभी भरा नहीं है उसको। जैसे ही भरूंगा मैं आपको वो दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये था वीडियो, ड्राइविंग लाइसेंस अगर आप अप्लाई करते हैं तो कहाँ जाना पड़ेगा आपको, कैसे अप्लाई करना पड़ेगा, और ये बिल्कुल बहुत ही आसान है। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें अगर थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा हो तो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।